नमस्कार इंडियन 64 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर अलवर से है। राजस्थान दिवस पर आने वाले पर्यटकों को संग्रहालय में एंट्री दी गई माला पहनाकर और तिलक लगाकर। आपको बता दें इस दौरान संग्रहालय अधीक्षक प्रतिभा यादव के साथ संग्रहालय स्टाफ मौजूद था। संग्रहालय अधीक्षक प्रतिभा यादव ने बताया कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, इसलिए आज 30 मार्च को जिला प्रशासन द्वारा राजस्थान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजस्थान दिवस के मौके पर संग्रहालय में आने वाले पर्यटकों को तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान दिवस के अवसर पर संग्रहालय में पर्यटकों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जहां भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, वहां भी पर्यटकों को निःशुल्क भ्रमण कराया जा रहा है। संग्रहालय में आने वाले पर्यटकों ने बताया कि राजस्थान दिवस पर संग्रहालय का भ्रमण काफी राजा महाराजाओं की एक मयान में दो तलवार धार्मिक स्थल राजा महाराजाओं के सिंहासन पुराने समय की नक्काशी देखकर काफी अच्छा लग रहा है। मार्च के महीने में 30 मार्च को हम हर साल राजस्थान दिवस मनाते हैं और ये राजस्थान दिवस हम 1949 से मनाना स्टार्ट किया है, जब राजस्थान संघ बना था हमारा, जब जैसलमेर बीकानेर और अन्य रियासतों से मुक्त हुआ था। तो इसी की इच्छा शक्ति और दृढ़ता की वीरता के रूप में हम राजस्थान दिवस मनाते हैं और इस साल भी राजस्थान दिवस के दौरान हम देख रहे हैं कि एक म्यान में देखो दो तलवारें हैं। और इसी के साथ थैंक यू जी। निःशुल्क जो पर्यटन विभाग की तरफ से आज प्रवेश रखा गया है राजस्थान दिवस पर, ये एक अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। और राजस्थान दिवस की पहले तो बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं सभी राजस्थानियों को। और जो म्यूजियम में देख रहे हैं आप और प्रोग्राम भी हो रहे हैं बाहर, विभिन्न क्षेत्रों से लोग पधारे हुए हैं जो अपना अपना विभिन्न कल्चर का प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जो सरकार की तरफ से ये योजना है अच्छी है। क्या नाम? मेरा नाम समीर सैनी है, काजाखुआ से हूँ।